जोहार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन। और इस वक्त मैं मेदिनीनगर के पास ही सुआ ग्राम है वहां पे उपस्थित हूँ। मेदिनीनगर सदर प्रखंड में आता है ये। और आपको बता दें, कई सालों से तो बालू बंद था ही, अब कुछ महीनों से जो बालू की प्रक्रिया जो है सरकार ने स्टार्ट भी किया है, लेकिन कुछ समस्या है कारण कि यहाँ के लोग जो है, जो ट्रैक्टर्स हैं, जो ट्रैक्टर के मालिक हैं, ऑनर हैं, इनकी क्या समस्या है अभी मुझे यहाँ उपस्थित होने का सूचना प्राप्त हुआ, तो मैं यहीं पे था, मैं तुरंत आया और देखने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या इनके साथ हुआ है। इधर आइए, क्या समस्या आप लोग खड़े हैं? हम लोग इसलिए खड़ा हैं कि प्रभारी आए और हम लोग के चालान लेने के बाद भी बालू को पलटवा दिए। कौन प्रभारी? थाना प्रभारी, सदर थाना प्रभारी। हाँ, तो क्यों, क्या चालान आप लोग के पास नहीं था क्या? हम लोग के पास चालान है, वो खोज रहे हैं कि डाला का इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। क्या लगता है ये सब बता के पैसा ऐठना चाहते हैं? हाँ, ये वो सोचते हैं कि कहीं से न कहीं से हम पैसा लें। देखिए, आपको काला सच बता रहे हैं, ये पलामू के लिए कोई नया चीज़ नहीं है। ऐसे लोगों को परेशान करने के लिए कई तरीके का षड्यंत्र, कई तरीके का कागजी हवाला दे करके लोगों को चुप कराया जाता है। ये आप देख रहे हैं कि कई सालों से ये बालू बंद था, लेकिन अब 2 महीने से चालू है, उस समय नहीं रोका गया, और अब क्यों रोका जा रहा है? या तो पहले रोका जाता या तो अभी। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। क्या लगता है, अभी बता रहे थे चाचा कि आए? हाँ, थाना प्रभारी। हाँ, क्या है थाना प्रभारी, क्या है? नाम तो उनका नहीं पता है, वो वैसे विदाउट ड्रेस में आए, और अपना जितने लोग थे घाट पे तकरीबन 70-80 गाड़ी होंगे, और जाहिर सी बात है इलीगल तो काम हो नहीं रहा है। जब से शुरुआत हुई तो चालान से ही सारा बालू चलाया जा रहा है, और चालान में प्रॉपर लिखा भी जा रहा है कि कहाँ बालू गिर रहा है, ठीक है, जिस पंचायत में गिरे, जहाँ पे गिरे तो वहाँ पे चलाया जा रहा है। लेकिन अब उनका कहना है कि गाड़ी डाला होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए। तो थोड़ा सा मेरा ये कहना है कि ड्राइवर तो अब इंजीनियर लोग ही बन सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर अब उन लोग ही के पास ना होना चाहिए, लाइसेंस वो लोग के पास भी होगा तभी तो। अब वो गांव के ठहरे, खाने का कुछ है नहीं उनके पास, रोजगार ढूंढते चल रहे हैं, घर में इतने सारे परिवार हैं, तो रोजी रोटी होगा कैसे? अब ये लोगों का लाइसेंस भी बनवा भी दें हम लोग, तभी। मैं ही बता दूँ कि मेरा 3 साल से अभी तक एक लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ है, जिसमें सारा पैसा भी पेड है ऑलरेडी, अब इनका लाइसेंस मैं कैसे बनवाऊँ? और ऊपर से दूसरी बात है कि डाला का यहाँ तो रजिस्ट्रेशन होता नहीं है, तो कहाँ जाए हम लोग? एक चीज इन्होंने काफी अच्छा कहा कि जितने भी ड्राइवर्स हैं गाड़ी के, वो खाने के लिए मोहताज है, उनके पास डेली का इनकम होता है, तब जाके वो घर पेट चलाते हैं, और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस यदि नहीं है। और इन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस ये खुद बनवाने के लिए कई महीनों से चर्चा ये चल रहा हो चुका है, तीन साल हो चुका है, नहीं बना है। रोज हवाला दिया जा रहा है कि आज साहब नहीं है, तो DTO बंद है, तो ये है वो है, तो चलिए मान लेते हैं एक तरफ से कि हाँ मैं तो हूँ सक्षम, लेकिन ये कहाँ से सक्षम हो पाएंगे, और मैं इनको कहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस दिलवा पाऊंगा? और तब तक जब तक ड्राइविंग लाइसेंस मिले नहीं, तब तक ये कमाएंगे कहाँ? अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भी जैसा मुझे पता है 5,000-7,000 से ऊपर लगता है पैसा। हम तो 7,500 दिए हैं, बाद बाकी अब कितने लग रहे मुझे नहीं पता, 2 साल पहले की बात है। चलिए, ये बता रहे थे कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का भी लोग कई सालों से दौड़ रहे हैं, बना नहीं है, तो ये साधारण जो ड्राइवर है यहाँ के, उनकी बस की चीज़ कैसे है? एक चीज़ इन्होंने ये भी कहा कि जो डाला का लाइसेंस खोज रहे हैं थाना प्रभारी लोग, वो एक बहाना है क्या? थाना जो लाइसेंस खोज रहे हैं, अब सर ये तो वही जानेंगे कि ये बहाना है कि क्या मुद्दा है, वही जानेंगे। लेकिन हम लोग तो सारा चालान से ही ले रहे हैं, चालान को पैसा दे रहे हैं, गाड़ी लोड होती है यहाँ चालान लेते हैं, और चालान से ही जहाँ बालू डिस्ट्रीब्यूट करना होता है करना होता है। और अभी की बात है ये कि अब तो गाड़ी अनलोड हो गई, चलिए ठीक है, अब गाड़ी अनलोड हो गई, तब ये लोगों को पैसा हम कैसे दें? कितनी गाड़ी अनलोड हो गई? तकरीबन होगी 70-60 गाड़ी होगी, सारा लोड का वीडियो मतलब वहाँ पे है, और आप जाकर देख सकते हैं, डंप करा गया है। चलिए, डंप भी करा दिया गया, 70-80 गाड़ियों का जो है वो डाला पलट दिया गया, और ये बोल रहे हैं कि अब हम उनका किराया कैसे दें? अगर वो जब तक जाता नहीं है किसी के घर, उससे रेवेन्यू नहीं आता है, तब तक इनको मुश्किल हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं भैया? हम ड्राइवर साहब हैं। हाँ, तो अभी कहाँ कह के थाना प्रभारी गाड़ी गिरवा दिए? बोलते कि शुक्र भगवान ने जाना है, हम लोग को रेस्ट कम मिला है, उसको हमके 200 रुपये नहीं पड़ा है, दिन भर जो रहते हैं खाना पीना खा के 200 नहीं पड़ा, इसमें हमें कोई पैसा नहीं पड़ा, ऐसे ज़्यादा नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बोलेंगे, यहाँ के स्थानीय लोग ज़्यादा उसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि अभी
ये गाड़ी जैसे इधर से जा रही है उधर से क्रॉस होके तब फिर इधर, अगर इधर गाड़ी गिराना होगा बालू इधर, तो कैसे जाते हैं लोग? हम नहीं बता सकते हैं कैसे। रेलवे फाटक बनाने का तैयारी चल रहा है कई सालों से, बना नहीं बना? डालते में घूमेगा चाहे दूर नंबर इधर 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 देख के बोलिए। यहाँ से कैसे जाना पड़ता है, अगर मान लीजिए यहाँ से बालू उधर ले जाना तो क्या करते हैं? डालते में जाना पड़ेगा दोनों 22 नंबर पुल में, मैंने घूम के जाना पड़ता है। घूम के जाना, मांग कई साल से चल रहा है लेकिन बना नहीं है। बना नहीं है, देखिए ट्रैक्टर वाले लोग भी हैं, अगर कहीं इधर गिराना होगा तो वो 4-5 किलोमीटर घूम के तब फिर उधर बालू गिरेगी। इधर से अगर जाना होगा तो शहर होके इसके बाद इधर जाएंगे, है ना? इधर आए। चलिए देखिए, जब अभी हम पहुंच चुके हैं ये जो सुआ का घाट है, बालू घाट वहां पे, और ये लीगल घाट है। लीगल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लगातार 2 महीनों से इस पे कार चल रहा है, बालू यहाँ से लोडिंग हो रही है और लोगों को घर तक बालू पहुँचाया जा रहा है। लेकिन आज की ये घटना है कि 2 महीने बाद किसी थाना प्रभारी ने यहाँ आ करके ये पूरे बालू को डंप करा दिया, गिरा दिया। और अभी हम बात कर रहे थे ड्राइवर से और कुछ जो ऑनर थे गाड़ी के उनसे भी हम बात कर रहे थे कि क्या कारण था कि लोगों ने गिरा दिया या फिर अधिकारी यहाँ आकर के डंप करा दिया, और इसका अब खर्च कौन देगा? ये जो टोटल आप लोडिंग अनलोडिंग हुआ था, हम एक हैं यहाँ पे ऑनर ही, इनसे बात करेंगे क्या कह के गिरा। वो तो वायर खाली गिरवाते रह गए। कुछ बोले नहीं? कुछ नहीं बोले, बोले इलीगल है। इलीगल है मतलब टेंडर खत्म हो गया यहाँ का? पता नहीं, अब तो वही बताएंगे, इसको जवाब वही दे पाएंगे, है ना? कुछ लोग से बात के तो बोल रहे थे कि नहीं तुम्हारा गाड़ी का लाइसेंस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है, तो टाली जो है गाड़ी का उसका लाइसेंस नहीं है, ये कह के गिरवा दे। तो ये 2 महीना पहले क्यों नहीं था? तो आप बताएंगे ना, मुखिया जी से बताएंगे, ये 2 महीना पहले आखिर क्यों नहीं चला? ठीक है, देखिए अगर किसी चीज का टेंडर हुआ था तो नोटिफिकेशन पहले आप लगाते कि जिन गाड़ी के पास ताला, जिनके डाला का जो लाइसेंस है या डाला का रजिस्ट्रेशन है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वैसे ही गाड़ी इसके अंदर आ पाएगा, अन्यथा दूसरे गाड़ी को प्रवेश वर्जित है। फिर आप 2 महीना उठवा के यहाँ से, इसके बाद ये आप नियम कानून लगा रहे हैं कि यहाँ डाला का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए, तो फिर ये पहले क्यों नहीं था और अब क्यों, आज क्यों? कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का संकेत दे रहा है, कहीं ना कहीं उनको पैसा चाहिए, मोटा रकम चाहिए, फिर गाड़ियाँ स्टार्ट हो जाएगी। हम फिर दोबारा आएंगे और यहाँ देखेंगे कि सबका लाइसेंस बना या रजिस्ट्रेशन हुआ तब ये फिर बालू उठा है, या फिर डायरेक्टली फिर से उठना स्टार्ट हो गया, या फिर पैसे ले लिए इसके बाद उठना स्टार्ट हो गया। दर्शक, यदि हमारा चैनल आप देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि इस तरीके की जब आवाज़ उठाई जा रही है आप प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि ऐसे अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाई जा सके, भ्रष्टाचार जो जन्म हो रहा है उसको लॉक किया जाए, उसको स्टॉप किया जाए। आप देख रहे थे द न्यूज़ रेवोल्यूशन, ग्राउंड रिपोर्टिंग में दिखा रहा था आपको इस सुआ घाट से, बालू घाट से, जहां पर कई महीनों से बालू का लगातार उठाव हो रहा है, लेकिन आज एकाएक ये कहकर रोक दिया गया कि आपका लाइसेंस नहीं है। तो फिर ये लाइसेंस वाले गाड़ी को पहले क्यों नहीं हिदायत दिया गया, या फिर उसी को क्यों नहीं एंट्री दिया गया, ये सवाल है। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।